स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लॉग में जो हमने कल पढ़ा था. दैट इज लॉग वन से बड़ा कब होता है, वन से छोटा कब होता है. तो पहले एक बार हम वो रिकॉल कर लेते हैं. और प्लस एक और चीज पढ़ी थी हमने कि लॉग नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है. उस चीज के बाद फिर हम आज थोड़ा नया कुछ पढ़ेंगे. तो पहले मैं बता रहा हूँ कि लॉग हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है. तो मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर हमारा सेम साइड ऑफ यूनिटी होगा तब लॉग इज पॉजिटिव. दैट मींस कि लेट्स से दिस इज माय नंबर लाइन, ये लेट्स से जीरो है, ये वन है, ठीक है ना. तो क्या बोला कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करेंगे देन माय लॉग विल बी पॉजिटिव. तो लेट्स से बेस अगर मेरा इधर लाई कर रहा है, दो सिनेरियो ले रहे हैं, देखना एक ये प्लस, ये तो मेरा जीरो है, ये मेरा वन है, और एक बेस मैं इस साइड ले रहा हूँ. बेस इज ग्रेटर देन वन एंड बेस इज लेस देन वन. मैंने क्या बोला कि अगर आर्ग्यूमेंट बी और बेस दोनों अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी होंगे तो मेरा लॉग पॉजिटिव होगा. इसका मतलब अगर मैंने ए को इस रीजन में लिया, ए को, तब मेरा क्या होगा, टी विल बी, टी किसको बोला था मैंने, टी इज लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, दिस विल बी पॉजिटिव. एंड इफ ए लाइज इन दिस रीजन, ऑफकोर्स जीरो के सेट तो नहीं चाहिए क्योंकि आर्ग्यूमेंट एंड बेस बोथ हैज टू बी पॉजिटिव. तो जीरो के तो इसी साइड रहना है. बट अगर मेरा इधर ए होगा तो अब देख रहा है ए और बी आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, तो क्या होगा, टी विल बी नेगेटिव. ये हमने कल देखा था. सिमिलरली इस लाइन में मुझे उसी चीज को दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा कि बेस वन के लेफ्ट में अगर ए भी मेरा इसी रीजन में आया तो मेरा क्या होगा, टी विल बी ग्रेटर देन जीरो. अगर मेरा ए इस रीजन में आया तो मेरा टी विल बी नेगेटिव. ये तो बहुत आसान वाला पार्ट था. थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वो यूनिटी वाले पार्ट में. तो पहले ये अच्छे से हो गया कि बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी देन लॉग इज पॉजिटिव. फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखना इसी नंबर लाइन पे उस चीज को एक्सप्लेन करने का बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ. क्या बोला मैंने कि हमने क्या देखा था उधर कि लेट्स से मैं पहले बेस ग्रेटर देन वन के लिए डिस्कस कर रहा हूँ. तो अगर बेस ग्रेटर देन वन है, सुनना ध्यान से, और अगर आर्ग्यूमेंट भी बेस के राइट में है तब तो मेरा टी क्या होगा, ग्रेटर देन वन. तो बेस मेरा वन से बड़ा है, अगर आर्ग्यूमेंट इस रीजन में लाई करेगा, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, तब मेरा क्या होगा, टी विल बी ग्रेटर देन वन. देखो ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही बट वन से भी बड़ा होगा. और इस रीजन में मेरा क्या होगा, इस पूरे रीजन में टी विल बी लेस देन वन. कब, जब मैं ए इस रीजन में ले रहा हूँ. क्लियर हुआ बच्चों, क्या बोला, इधर नहीं जाना है मुझे, नेगेटिव में नहीं जाना है, इधर तक स्टॉप रखना है. क्लियर समझ में आ रहा है. देखो ब्लू वाला जो हम पार्ट है वो तो जीरो के रिस्पेक्ट में है, लॉग नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव होगा. रेड वाला मैंने क्या बोला कि अगर मेरा बेस इधर, ये बी देख नहीं रहा होगा, दिस इज बेस, अगर बेस मेरा वन से बड़ा है तो आर्ग्यूमेंट को बेस से भी बड़ा होना पड़ेगा लॉग को वन से बड़ा होने के लिए. सिमिलरली अब इधर आते हैं, मैंने बोला अगर बेस वन से छोटा है तो आर्ग्यूमेंट को बेस से भी छोटा होना पड़ेगा लॉग को वन से बड़ा होने के लिए. दैट मींस इन दिस रीजन, अगर ए इस रीजन में तब मेरा टी ग्रेटर देन वन होगा, और अगर मेरा इस रीजन में है ए तो मेरा टी लेस देन वन होगा. दिख रहा है. तो ब्लू कलर तो मैंने किसके लिए बोला, जीरो के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए. रेड वाला यूनिटी के रिस्पेक्ट में, लॉग वन से बड़ा होगा और छोटा कब होगा. क्लियर है बच्चों. जैसे कि अब देखना कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ. जैसे मैंने जैसे नेगेटिव पॉजिटिव वाले तो कल देख लिए थे, तो लेट्स सी कि वन से बड़े वाले एग्जाम्पल देखते हैं, वन के रिस्पेक्ट में कि लॉग वन से बड़ा कब है, छोटा कब है. तो जैसे मैंने देखा लॉग ऑफ फाइव टू द बेस थ्री. देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ बेस दोनों वन के राइट में है तो पॉजिटिव तो पक्का होगा, वो तो देख चुके हम. अब मेरे को बताना है कि ये वन से बड़ा होगा या छोटा होगा, देन माय आंसर विल बी इट इज ग्रेटर देन वन. व्हाई, बिकॉज बेस थ्री है, बेस थ्री है, वन से बड़ा है, तो आर्ग्यूमेंट फाइव है विच इज ग्रेटर देन बेस. तो दिस रीजन हैज, दिस इज ग्रेटर देन वन. क्लियर हुआ. अच्छा अब देखो और देख लेते हैं. जैसे मैंने लिखा सेवन टू द बेस नाइन, तो बेस ग्रेटर देन वन है. बट अब क्या हुआ, जो आर्ग्यूमेंट है बेस से छोटा हो गया, मतलब बेस ग्रेटर देन वन है, सिनेरियो यही हो रहा है वन ऊपर वाला, बट अब आर्ग्यूमेंट मेरा बेस से छोटा है, मतलब इट इज समवेयर हियर आर्ग्यूमेंट, तो क्या है, टी इज लेस देन वन, हेंस दिस इज लेस देन वन. बट सिंस आर्ग्यूमेंट एंड बेस बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो ये चीज जीरो से तो बड़ी रहेगी, तो दिस लाइज बिटवीन जीरो एंड वन. समझ में आया, इसको कॉपी कर लेना है. फिर और देख लेते एक दो एग्जाम्पल. मैंने लिखा लॉग ऑफ थ्री टू द बेस हाफ, क्या वन से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो वो तो उतना चेक करने की जरूरत ही नहीं है. वाई, बिकॉज थ्री एंड हाफ आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, तो ये तो जीरो से भी छोटा होगा, तो जीरो से छोटा होगा तो ऑफकोर्स वन से छोटा होगा, तो दिस इज लेस देन वन. ऑल्सो दिस इज लेस देन जीरो, क्यों,
क्यों बोला मैं, क्योंकि 3.5 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। अगर मान लो इस वाले से तुम्हें वेरीफाई करना है तो इससे भी कर सकते हैं, बेस हाफ है, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला सेकंड वाला सिनेरियो हुआ, बेस 1 से छोटा है, तब मैं क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट क्या है मेरा, बेस से बड़ा है तो इधर आएगा आर्ग्यूमेंट, तो इस रीजन में रेड कलर में क्या टी लेस देन 1 तो लेस देन 1। बाकी इतना करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हम ये दिख रहा है कि 3.5 जो है दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, हेंस दिस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो 1 से तो छोटा होगा ही होगा। क्लियर हुआ? जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ e टू द बेस पाई, अब उसके लिए मुझे e पता होना चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में तो बताया भी है, दिस इज नेपियर्स कांस्टेंट, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना NAPIERS, नेपियर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7 के अराउंड, और जो पाई जो होता है हमारा दैट इज 3.141 के आसपास होता है, दैट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज अप्रोक्स, बिकॉज पाई इज इरेशनल नंबर, जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में देखा, तो दिस इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 3.141। अब देखते हैं, मैंने बोला लॉग ई टू द बेस पाई, तो बेस मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला सिनेरियो हो रहा है। अच्छा, उससे पहले ई और पाई दोनों क्या है, बेस 1 से बड़े हैं, दैट मींस दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो ये तो पक्की बात है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अब मुझे देखना है 1 से बड़ी है या नहीं, तो मैं क्या देखूंगा कि लेट्स, चलो पाई जो है मेरा 3.141 है, तो बेस 1 से बड़ा है तो ये रीजन हो रहा है, तो ये 3.141 है। अब जो मेरा आर्ग्यूमेंट है दैट इज 2.7 समथिंग, तो वो 3.141 से पहले आएगा, मतलब इधर आएगा, इधर आएगा, मतलब टी शुड बी लेस देन 1, हेंस दिस इज लेस देन 1। एग्जांपल के तौर पर और एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा है एग्जांपल लॉग ऑफ पाई अपॉन ई टू द बेस 2। आप सुनना, पहले देखा बेस ग्रेटर देन 2 है तो ऊपर वाले सिनेरियो से देखेंगे, जो ब्लू वाला है वो तो 0 के लिए, और 1 रेड वाला जो है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए। तो सिंस बेस इज ग्रेटर देन 2 तो ऊपर वाला देखा पाई अपॉन ई, अब पाई क्या है, जैसे अभी देखा हमने 3.141, ई क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट 2.7, तो इन दोनों का जो डिवाइड करेंगे तो उसका जो नेट आर्ग्यूमेंट आएगा दैट विल बी 1 point something है, और ये 2 है, तो लेट्स से ये बेस 2 है तो 1 point something क्या है, इधर आया, लेफ्ट में आया बेस के, hence t should be less than 1, so this quantity is less than 1, of course क्या बोलते हैं, पॉजिटिव तो होगी, क्यों, 2 भी पॉजिटिव, 2 भी 1 के राइट में आ रहा है, और ये जो क्वांटिटी 1 point something वो भी राइट में आ रहा है, तो बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, hence this quantity is greater than 0। आई होप आप क्लियर हो गया होगा, कल मैंने इतने एग्जांपल लिए नहीं थे तो मुझे लग रहा था कि शायद उतना क्लियरिटी नहीं आया होगा, बट आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। स्टिल अगर डाउट है, तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर मुझे व्हाट्सएप से पूछो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट इन लॉग। इन सब एग्जांपल्स को कॉपी करना है जो भी अभी करा है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला उसके लिए द टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा टॉपिक का नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। चल तो उससे पहले दो चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक होता है, देखना ध्यान से, जैसे मेरा ये एक्स नंबर है, दिस इज सम नंबर एक्स, तो इसकी अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर ये लिखा, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, लिख लो पहले इसको, फिर एक्सप्लेन करूंगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोलो, या इंटीग्रल एक्स बोलो। सिमिलरली अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। पहले इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा देखेंगे, मतलब इसका एप्लीकेशन ही है वो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है, जो इंटीग्रल पार्ट है, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है इंटीग्रल पार्ट, तो क्या है, दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर, लिख लेना इसको, ऑलवेज एन इंटीजर, और ये क्या होगा, ऑलवेज फ्रैक्शन, ऐसे लिख लो, ऑलवेज पॉजिटिव ज्यादा बेटर रहेगा, और ब्रैकेट में लिख लो, जीरो क्लोज से वन ओपन रहेगा ये, चलो इसको क्लोज ब्रैकेट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और ऐसे लिख लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे लिख लो बेटर रहेगा, बिलोंग्स टू जीरो क्लोज से वन ओपन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और हाँ एक रिलेशन क्या हो गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू
कोई नंबर है तो क्या क्या लिख सकते हैं हम उसको, एडिशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. तो वी कैन राइट दिस इज दिस प्लस दिस, ये हमेशा ट्रू होगा. कोई भी x है हमारा, कोई भी नंबर है, उसको वी कैन ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, उसका इंटीग्रल पार्ट, उसका फ्रैक्शनल पार्ट. दिमाग में क्या रखना हमें कि इंटीग्रल पार्ट हमेशा इंटीजर होता है और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है. इस पॉइंट पे मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ, अभी आएंगे देखना बच्चे लोग गलती इसमें करते हैं. उसको समझाने के लिए पहले मैं एग्जाम्पल देखता हूँ. मैंने देखा एग्जाम्पल जैसे x इज इक्वल टू, लेट्स से पहले हम इंटीजर ले लेते हैं 5. तो इसके अंदर अगर मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट क्या है तो 5 ही है. फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0, इसमें कोई फ्रैक्शन है ही नहीं. वैसे भी देख सकते हो इस इक्वेशन के अंदर 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0 सेटिस्फाइड हो रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल और मैंने लिया, मैंने कहा एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5.4, अब ले लेते हैं. तो मैं क्या बोलूंगा इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी 5, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.4. इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.4, नहीं तो इधर रख के देख लो 5.4 और ये 5 है तो उधर जाके माइनस 5, तो 5.4 माइनस 5 विच इज 0.4, तो दिस इज 0.4. कुल मिला के इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि दिस इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन. क्लियर है? जैसे और एग्जांपल देखा, मैंने कहा x इज इक्वल टू 9.8, तो क्या लिखूंगा मैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 9, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.8. क्लियर है? और लिख लेते हैं, जैसे एक मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 10, इंटीजर से ले लिया, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आया, वही इंटीजर पार्ट ओनली 10 ही आ जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा 0. तो इससे क्या निकला, अभी हमने पॉजिटिव नंबर्स का डिस्कशन किया है कि जो अगर कोई नंबर इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट वो नंबर ही हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है. और अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, लेट्स से 5.4 जैसे कि मैंने लिया, चलो और कोई ले लेते 6.2, तो उसमें इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 6, फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.2, उन दोनों का एडिशन 6x आना चाहिए. अब कंफ्यूजन कहाँ होता है जब हम नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ. अब सुनना, जैसे कि मैंने बोला कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को नेगेटिव नंबर्स में, जैसे कि पहले इंटीजर्स का देख लेते हैं. जैसे मैंने हम नेगेटिव नंबर्स का ले रहा हूँ, मैंने लिखा x इज इक्वल टू माइनस 8, तो इंटीजर्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटीजर्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो यही नंबर हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा. दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, जो गलती करते हैं जनरली, वो मैंने अगर मान लो x इज इक्वल टू ले लिया माइनस 8.8, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्या जवाब होता है, 99% बच्चों का दिस इज माइनस 8 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज माइनस 0.8, विच इज रॉन्ग. ऐसा क्यों? अभी याद है जब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला फ्रैक्शनल पार्ट, देखो ये तो करेक्ट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होता है, बट आई टोल्ड समथिंग अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट, और मैंने स्ट्रेस भी दिया था उधर बहुत कि दिस इज अ फ्रैक्शन लाइंग बिटवीन 0 क्लोज से 1 ओपन, बट ये तो नेगेटिव नंबर है ना, तो गलत है मतलब. अब देखना क्या किया मैंने, अब मुझे पता है कि x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, दिस इज माइनस 8.8 इज इक्वल टू, अब मुझे चाहिए इधर एक इंटीजर चाहिए और इधर पॉजिटिव फ्रैक्शन चाहिए. तो पहले तो मैंने इसको ये लिखा माइनस 8 प्लस माइनस 0.8, ऐसा लिखा है, दिस कैन बी रिटन इन लाइक दिस वे, बट मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है, तो क्या किया मैंने, प्लस 1 माइनस 1 किया, प्लस 1 माइनस 1, इस प्लस 1 को इसके साथ क्लब किया और इस माइनस 1 को इसके साथ क्लब किया, तो कितना आ गया माइनस 9 प्लस 0.2. अब करेक्ट है, फॉर्मेट है, इंटीग्रल पार्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, विच इज लाइंग बिटवीन 0 क्लोज से 1 ओपन, एज इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा माइनस 9 नॉट माइनस 8, इसीलिए बच्चे लोग नेगेटिव नंबर्स में गलती करते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 0.2. क्लियर है? दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना, बेसिक डेफिनेशन बेसिक रहना है, फ्रैक्शनल पार्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज लाइंग बिटवीन 0 क्लोज से 1 ओपन. क्लियर है? नेगेटिव के दो तीन एग्जांपल और देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी. इसको कॉपी करो, पॉज करके इलस्ट्रेशन कॉपी करो, मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटीस. देखना क्या बोला मैंने कि x इज इक्वल टू माइनस 7.6,
तो क्या करूंगा, माइनस 7.6 को कैसे लिखा, पहले माइनस 7 माइनस 0.6, फिर इसको पॉजिटिव बनाना है तो +1 -1, इस +1 को इसके साथ क्लब किया, इस -1 को इस -1 के साथ, तो -8 + 0.4, सो दिस विल बी इंटीग्रल पार्ट एंड दिस विल बी फ्रैक्शनल पार्ट। जनरली इंटीग्रल पार्ट को आई से डोनोट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को एस से, ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो कुछ समझ में आया नेगेटिव के लिए क्या हो रहा है, कि जो इंटीजर जो नंबर ले रहा है ना, अगर देखो इन शॉर्ट क्या बोलूंगा, अगर इंटीजर्स हैं कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इंटीग्रल पार्ट विल बी दैट नंबर इटसेल्फ और फ्रैक्शनल पार्ट विल बी जीरो फॉर इंटीजर्स, भले वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो। अब मैं आता हूं नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर्स, जैसे 5.4 -5.4 वगैरह, उनमें क्या होगा, हमारा जो इंटीग्रल पार्ट होगा ना, अगर मान लो मेरा कोई एक्स इधर है, लेट से ये 1 है ये 2 है, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इस नंबर के इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है, इस एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है, दैट विल बी द इंटीग्रल पार्ट। कब बोल रहा हूं मैं, व्हेन एक्स इज नॉट अ इंटीजर। यू कैन सी, जैसे मैंने -7.6 लिया, तो -7.6 इधर है, तो मैंने बोला इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है, -8, हेंस दिस विल बी योर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एक्स। लिखूंगा नंबर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स विल बी इट्स इंटीग्रल पार्ट। नंबर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, ये कब बात कर रहा हूं मैं, व्हेन माय दिस एक्स इज नॉट इंटीजर, और अगर एक्स इंटीजर है तो इंटीग्रल पार्ट तो वो एक्स ही हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ बच्चों? जैसे मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू -11.2, तो तुरंत बोलना है इंटीग्रल पार्ट इज इस नंबर के लेफ्ट में, कौन सा नंबर आएगा जस्ट लेफ्ट में, -12, हेंस एक्स का इंटीग्रल पार्ट इज -12। और अब फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालें, हमें पता है कि इस फ्रैक्शनल पार्ट और इन दोनों का एडिशन एक्स आना चाहिए, तो -12 में क्या ऐड करूं कि -11.2 आ जाए, हेंस दिस इज 0.8। और देख लेते हैं, लिखते जाना ये सब। मैंने लिखा x इज इक्वल टू -4.3, तो -4.3 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा नंबर है, -5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज -5। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे लिखूं, मुझे पता है कि इन दोनों का एडिशन ये आने वाला है, तो -5 में क्या ऐड करूं कि -4.3 आ जाए, क्या पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूं, 0.7, हेंस दिस विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो तो अब क्या करो, इसको कॉपी करो। अब मैं एक्चुअली बताता हूँ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, तो उसका एप्लीकेशन क्या है हमारे लिए एग्जांपल में, वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई होप तुम लोग कॉपी कर रहे होगे इसको, मैं रब कर रहा हूँ। देखना मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने टी पहले उधर भी टी रेफर किया था, इधर मैं टी लिख रहा हूँ, लॉग ए टू द बेस, लेट्स से दिस आई एम कॉलिंग इट एज टी। तो कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, टी का ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी को बोलते हैं मेंटिसा। समझ में आया, टी क्या है मेरा, लॉग ए टू द बेस बी, तो कोई लॉग की वैल्यू कुछ लॉग के एक्सप्रेशन में दे रखा है, अगर मैंने उसका इंटीग्रल पार्ट निकाला तो मैं क्या बोलूंगा कि वो उस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अगर मान लो उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो मैं बोलूंगा वो उस पार्ट का मेंटिस है। इतना सही बात है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लॉग ऑफ 4 to the base 2, मैंने बोला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स को सी से डिनोट करते हैं, मेंटिसा को एम में से, तो सी क्या है, तो सी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग ऑफ 4 to the base 2। एंड चलो एक काम करते हैं, पहले इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, तो ये दिख रहा है लॉग 4 to the base 2 को कैसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2 square, और 2 आगे आ जाएगा, तो लॉग 2 to the base 2 इज 1, तो 2 into 1 is 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और अभी हमने देखा इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वही नंबर, हेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2, और मेंटिसा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मेंटिसा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0, हेंस मेंटिसा इज 0, कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ
20 टू द बेस लेट्स से 10, ठीक है। अभी जैसे आगे चल के हम लॉग टेबल देखेंगे तब मैं उसमें इसकी वैल्यू बताऊंगा, बट फॉर टाइम बीइंग मैंने लिख दी दिस इज दिस विल बी 1.3010, ठीक ना, क्योंकि फ्रिक्वेंटली अकरिंग है लॉग टू, तो इसको हमें याद भी रखना है। तुम लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है इसके एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक मिनट के लिए मान लिया ये ऐसी वैल्यू है, वो हम देखने वाले हैं आगे चल के लॉग टेबल से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसके लिए इसके ऊपर मैं अगला लेक्चर लूंगा लॉग टेबल के ऊपर। तो 1.3010 बोला, अब मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो क्या लिखूंगा, क्या बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट, इस टी का इंटीग्रल पार्ट, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसके इमीडिएट में लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है, 1, हेंस 1। फिर मेंटीसा क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0.3010। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कुछ अलग नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इंटीग्रल पार्ट, मेंटीसा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा हमारे लिए जेई में, तो सुनना, उसको समझने के लिए पहले मैं उसकी थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो उसको समझने के लिए देखना क्या कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने लिखा log of 2^4 to the base 2, कितना होगा, ये तो कोई बता देगा 4 होगा, 4 आगे आएगा, log 2 to the base 2 is 1। अच्छा ये 2^4 है क्या, 16। अच्छा अब सुनना, अब मैंने लिखा log of 17 to the base 2, log of 18 to the base 2, फिर मैं ये बढ़ाते गया, आर्ग्यूमेंट को बढ़ाता गया, एक मैं बढ़ाते बढ़ाते पहुंचा log 31 to the base 2 और फाइनली log of 32 to the base 2, और 32 to the base 2 किसके बराबर है, log of 2^5 to the base 2, यहां तक पहुंचा। अब देखना ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, वो ध्यान से देखना। अच्छा अब जब मैं, ये तो था log 16 to the base 2 which is 4, और ये क्या log of 32 to the base 2 which is log of 2^5 and this is nothing but 5। अब मुझे पता है कि log में अगर बेस 1 से बड़ा है जैसा कि इधर है which is 2 here, तो log मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब x को log आर्ग्यूमेंट को बढ़ाता हूं, आर्ग्यूमेंट को बढ़ाता हूं तो मेरा y की वैल्यू बढ़ती है, तो दिख भी रहा है जैसे log 16 क्या है 4, फिर हम बढ़ाते 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 32 तक लेके गए, 5 तक पहुंच गए। अच्छा इसका मतलब अब देखना सुनना, जब मैंने इसको बढ़ाऊंगा तो जैसे 32 पे 5 आ रही है तो 31 पे क्या आएगी, 5 से थोड़ी कम, फॉर एग्जाम्पल 4.99 मान लिया एक मिनट के लिए मैंने, फिर लेट्स से लॉग ऑफ 31 पे क्या आएगी 30 पे, इससे भी कम 4.8 मान लिया, 88 मान लिया, ऐसा कुछ तो होगा, आई एम नॉट राइटिंग एग्जैक्ट वैल्यू बट इतना पक्का है कि ये 4 point something होगा, ये भी 4 point something होगा, एंड सो ऑन। ध्यान से सुनना बात को, और इधर मेरा 4 था, log 17 क्या होगा 16 से बड़ा होगा तो 4.1 के आसपास कुछ तो होगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 4.2 एंड सो ऑन, ये सो ऑन ऐसे गया। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम इसके बारे में, वीडियो पॉज करके सोचो, इतने नंबर्स के बारे में रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा, फॉरगेट अबाउट दिस नंबर, व्हाट यू कैन जज फ्रॉम दिस नंबर, मैं बता रहा हूँ तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो, ऑब्जर्व केयरफुली कि इन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इज 4, लिख लो इधर, ऑल दीज विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एज 4, ठीक है ना, ऑल दीज विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एज 4। अच्छा तो अब हमारा क्वेश्चन कैसा बनेगा, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज और बोल रहा हूँ कि कैन यू काउंट ऐसे कितने नंबर होंगे, देखो अभी तो क्या तुम मैनुअली काउंट भी कर सकते हो, कम है, बट अगर मान लो मैं नंबर बढ़ा दूं, लेट से ये मैं 3^4 कर दूं, ये 3^5 कर दूं, तो 3^4 81 हो जाएगा, 3^5 243, तो नंबर्स कितने होंगे, उसके लिए एक छोटा सा देखना फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। मैंने बोला जैसे कि तुम्हें 2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, 2 और 3 के बीच में, आई एम नॉट सेइंग 2 और 3 को इंक्लूड करके, तो योर आंसर विल बी 0, 0 इंटीजर्स है 2 और 3 के बीच में, क्योंकि कोई इंटीजर ही नहीं है, 2 के जस्ट बाद 3 आ रहा है, वो 0 आया कैसे, देखना ध्यान से, 3 माइनस 2 माइनस 1, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो क्या क्या आएंगे तुम्हारे, 3 एंड 4, दैट मीन्स 2 इंटीजर है, 2 इंटीजर्स, तो मैं कैसे बोलूंगा 5 माइनस 2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 2, तो मैं जनरलाइज लिख सकता हूँ कैसे, देखना ध्यान से,
number of integers between a and b will be, लिख लेना इसको नोट करके, एंड वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. ऑफ कोर्स ए और बी को इंटीजर ही होना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला है. मैंने बोला नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन ए एंड बी विल बी बी माइनस ए माइनस वन. ए और बी के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, दैट विल बी बी माइनस ए माइनस वन. इसको नोट करके देख लिख लेना. जैसे मैंने लिखा लेट्स से 10 और 14 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, तो 14 माइनस 10 माइनस 1 तो विच इज 3, तो दिख रहा है 11 12 13, यही तीन इंटीजर्स हैं. समझ में आया? तो नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स ए एंड बी इज बी माइनस ए माइनस वन. अच्छा, अब मैंने इधर क्या बोला था तुम लोगों को कि यहां से यहां तक नंबर काउंट करके बता सकते हो कितना होगा, कितने नंबर. मैंने बोला कितने ऐसे नंबर हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आ रहा है. सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका बेस, जिनका लॉग लेने पे विद अ बेस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आ रहा है. एक बार और, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका लॉग लेने पे विद अ बेस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आ रहा है. तो क्या बोलोगे तुम, 16 से लेके 32 के बीच में प्लस 16, क्योंकि ये तो बीच के नंबर हो गए, बीच वाले. कौन के बीच वाले, 2 की पावर 4 मतलब 16 से 32 के बीच के वाले नंबर होगा ये. कितने होंगे बीच वाले, अभी मैंने बताया 32 माइनस 16 माइनस 1, ये तो क्या हो गया बीच वाले नंबर. बट मैंने तुमसे अभी क्या पूछा था कि नंबर ऑफ इंटीजर्स, सुनना दोबारा, नंबर ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे भी अभी हम इसको, और तुम चाहो तो अभी भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इंटीजर्स जिनका लॉग लेने पे विद अ बेस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इज 4. तो हमें क्या मिला, यहां से लेके यहां तक सारे नंबर. तो ये तो ये 17 से लेके 31, तो क्या हो गया 16 और 32 के बीच के नंबर हो गए, इनका कैरेक्टरिस्टिक 4 आ रहा है प्लस 16 का भी आ रहा है, तो ये तो बीच के नंबर हुए. मुझे निकालना था सारे नंबर्स, तो उसमें 16 को आ रहा है ऐड करना है, तो हेंस प्लस 1, दिस नंबर करस्पोंड्स टू 16, क्योंकि इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 4 आ रहा है. तो दिस ये हो गया हमारा 16 माइनस ये गया दिस 16. तो 16 ऐसे इंटीजर्स हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 16 टिल 31, यू कैन मैनुअली काउंट आल्सो, जिनका लॉग टू द बेस 2 लेने पे कैरेक्टरिस्टिक्स इज 4. अब हम इसको जनरलाइज लिख लेते हैं. देखना जनरलाइज कैसे लिखा, तो पहले क्या करो तुम लोग, मैं रब कर रहा हूँ उस वाले पार्ट को, जस्ट कॉपी दिस पार्ट, और अगर कोई भी दिक्कत आती है एक्सप्लेनेशन में आज की आज क्लियर कर लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है. अब सुनना मैंने क्या बोला, इसको जनरलाइज कर रहे हैं कैसे, मैंने देखो इसको नोट करके लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नोट करके लिखना, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग taking log with a base 2, with a log, ऐसे लिखो number of integers जिनका log लेने पर, log of which to the base is beta and having characteristics alpha will be dash. तुम पहले सोचो इस डैश में क्या भरूं? देखो सुन लो पहले क्या बोला, नंबर ऑफ इंटीजर्स जिनका लॉग लेने पर विद अ बेस बीटा कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा है, ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा बीटा क्या है, 2. बीटा इज 2, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन माय बीटा इज 2. कैरेक्टरिस्टिक्स इसने बोला अल्फा, तो अल्फा इज 4. तो मेरा आंसर कैसे आया था, 32 आया कैसे था, बेसिकली 2 की पावर 5 मतलब अल्फा प्लस 1, और 2 क्या था बीटा, तो क्या आएगा, देखो जनरलाइज कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, बीटा की पावर अल्फा प्लस 1, दिस इज बेसिकली 32 माइनस 2 की पावर 4, तो 2 की पावर अल्फा मतलब बीटा की पावर अल्फा माइनस 1, ये बीच के इंटीजर्स, प्लस 1 ऊपर वाला इंटीजर जो एक बचता है,
हेंस ये माइनस वन से बन गया तो हमारा आंसर जनरलाइज हो गया बीटा की पावर अल्फा प्लस वन माइनस बीटा की पावर अल्फा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा की पावर अल्फा कॉमन ले लो और बीटा माइनस। क्लियर हुआ? क्या है नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा व्हेन लॉग ऑफ द बेस इज बीटा। जैसे कि मैंने लिखा ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका बेस सेवन लेने पर कैरेक्टरिस्टिक पूरा लिखना तुम लोग, मैं ऐसे ओरली लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स लेट से 11 हो। क्या बोला मैंने, ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका लॉग लेने पे विद अ बेस 7 कैरेक्टरिस्टिक्स 11 आए, तो क्या बोलेंगे? इस फॉर्मूले के हिसाब से बीटा मतलब बेस 7 की पावर अल्फा प्लस 1 मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 तो 12 माइनस 7 की पावर 11। सो इतने इंटीजर्स होंगे जिनका, हिंदी में भी लिखो तुम लोग या मराठी लैंग्वेज में, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, इतने इंटीजर्स होंगे जिनका लॉग टू द बेस 7 लेने पे कैरेक्टरिस्टिक्स 11 होगा। चलो मैं इधर लिख लेता हूं, इतने ऐसे नंबर होंगे जिनका लॉग टू द बेस 7 लेने पर कैरेक्टरिस्टिक्स 11 आएगा। क्लियर हुआ? ऐसे इतने नंबर होंगे जिनका लॉग टू द बेस 7 लेने पर कैरेक्टरिस्टिक्स 11 आएगा, बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। उसको हमने एक्सप्लेन कैसे किया एक बार और देख लो इधर दोबारा, क्या किया देखो शुरू से एक बार। मैंने बोला लॉग ऑफ 2 की पावर 4 टू द बेस 2 कितना होता है 4, ये तो इजी है, 2 की पावर 4 है क्या बेसिकली 16। अब मैंने क्या किया 16 को बढ़ाते गया 17 18 19 20 ऐसे करके 31 तक लेके गया 32 तक लेके गया, तो मुझे पता 32 तो क्या है 2 की पावर 5 विच इज 5। तो मैंने क्या देखा, एक तो कि लॉग जो है बेस 1 से बड़ा है इसलिए वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मैंने आर्ग्यूमेंट को बढ़ाया तो मेरी ये वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये जो आगे की वैल्यू है वो 4 से बड़ी होंगी, एक बात तो ये। प्लस 32 पे 5 आ रहा है, इसका मतलब 31 पे क्या होगा 5 से कम आएगा, क्योंकि अगर हमने आर्ग्यूमेंट को घटाया तो लॉग की वैल्यू भी घटेगी। तो अगर 31 पे चेक करूंगा तो इट विल बी समथिंग 4.99 समथिंग, मान लिया इतना है कि 5 से कम होगी तो 4.9 समथिंग होगा। अब देखना इधर 4.9 समथिंग है और ये 16 है, 16 पे क्या आ रहा है 4, तो 17 पे क्या आएगा 4. समथिंग, क्योंकि अगर मैंने आर्ग्यूमेंट को बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा लॉग की वैल्यू। तो अब ध्यान से देखा जाए 16 से लेके 31 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 4 है, जब मैंने लॉग पे बेस 2 लिया है। क्या बोला दोबारा, 16 से लेके 31 तक जो नंबर्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान से देखो 4 है कि नहीं, इसका तो 5 हो जाएगा और इससे पहले जो 15 होगा उसका 3 हो जाएगा, बट 16 से लेके 31 तक जो भी नंबर्स हैं उन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स इज 4, तो मुझे वो नंबर्स काउंट करके बताना था। तो 16 से लेके 31 इज माय आंसर, बट करेंगे कैसे उसको मैंने समझाने के लिए क्या किया, पहले तो मैंने एक पॉइंट बताया कि ए से लेके बी तक, ए से ए और बी दो इंटीजर्स है, उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स कैसे निकालते हैं हम, बी माइनस ए माइनस वन बीच के। बट अब मैंने बोला कि 16 और 32 के बीच के नंबर चाहिए प्लस 16 भी चाहिए, ए और बी के बीच के नंबर तो क्या होता है बी माइनस ए माइनस वन, बट मैंने बोला ए भी चाहिए तो क्या होगा प्लस वन और ऐड कर देंगे, तो क्या लिखा मैंने 32 माइनस 16 माइनस वन, ये तो राइट वाले ब्रैकेट में लिखा है, वो क्या है मेरा बीच के इंटीजर्स प्लस 16 के करस्पॉन्डिंग प्लस वन, तो ये माइनस वन से माइनस वन गया ये 16 आया, तो इसी को मैंने क्या लिखा उधर जनरलाइज कर दिया कि नंबर ऑफ इंटीजर्स जिनका लॉग लेने पर विद अ बेस बीटा कैरेक्टरिस्टिक्स अल्फा होता है, तो ऐसे कितने इंटीजर्स होते हैं, तो पहले मैंने लिखा बीटा बेस बीटा की पावर अल्फा प्लस वन, अगर इधर से मुझे रिलेट करना है तो क्या है 32 मतलब 2 की पावर 4 प्लस 1 1 टू 1 है, देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 32 क्या है 2 की पावर 4 प्लस 1 माइनस ये 2 की पावर 4, तो 2 मतलब बीटा, बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा, तो वही लिखा है। तो मैंने एक एग्जांपल देख लिया, जैसे मैंने क्या लिखा ऐसे कितने नंबर हो गए जिनका लॉग लेने पे विद अ बेस 7 कैरेक्टरिस्टिक्स 11 हो, अल्फा 11 हो गया बीटा 7 हो गया, तो बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर अल्फा, तो इधर लिख भी लिया इतने ऐसे नंबर होंगे, इतने नंबर ऑफ मतलब ये काउंट आएगा कुछ तो बहुत बड़ा काउंट आएगा, इतने ऐसे नंबर होंगे जिनका लॉग टू द बेस 7 लेने पर कैरेक्टरिस्टिक्स 11 आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो
बिंदास पूछो, डोंट हेजिटेट, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लॉग टेबल प्लस एक और टॉपिक रह गया छोटा सा, तो मोस्टली टू लेक्चर्स में हमारा लॉग कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम फॉर्मल स्टार्ट करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।